गन कहाँ से तेरे पास? चाबी दे दे वरना चला दूंगी तेरे ऊपर। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द हमारे राजीव और परिन की प्यारी सी जोड़ी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाली है, क्योंकि इस बार नीति ने प्लान बना लिया है कि वो इस बार हमारी परी को कैसे भी कर मार कर रहेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए परी को राजीव की जिंदगी से दूर कर देगी। तो इसी के साथ एक नया प्रोमो भी सामने आया जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हो सकता है इस बार चाहे खुशी हो या गम हर चीज में खुशी दिखती है क्योंकि तुम्हारा साथ होता है। परी सच कहूँ तो तुम्हारा साथ है ना, तो सब कुछ है मेरे पास। परी को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दे, क्योंकि एक बार परी मर गई ना तो तेरा विवाह उससे पक्का। राकेश जो है, जी हाँ वही राकेश जो हमारी परी से बदला लेने आया था क्योंकि परी ने उसे ठुकरा दिया था, उसके प्यार को ठुकरा दिया था। हो सकता है इस बार राकेश जो है वो अपनी परी को बचाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इस बार नीति और राकेश मिलकर दोबारा से परी को मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो वही आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार नीति ने फुल ऑन प्लानिंग कर ली है परी को मारने की। एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर नीति मैडम जो है वो एक गन के साथ दिखाई दे रही है और बेबे के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि भाई इस बार नीति जो है परी को गन से मारने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर बेबी भी घबरा जाती है कि भाई तुम गन से कैसे मारोगी, इससे तो आवाज भी आती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पूरी तैयारी के साथ एकदम रेडी है इस बार नीति। नीति जो है उस गन से मारेगी भी परी को और परी मरेगी भी, लेकिन यहाँ पर नीति कह रही है कि वो गन में साइलेंसर लगाकर परी को मारेगी, जिसकी वजह से परी मरेगी भी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई ताईजी को आभास हो चुका है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वो तुरंत ही कॉल करती है, घबराहट में आ जाती है और तुरंत ही राजीव और परी को कॉल करके बताती है कि मुझे कुछ लग रहा है कि भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इस बार उनका एक नया डिसीजन सामने आया जहाँ पर उन्होंने कह दिया है, भाई उन्होंने ठान लिया है कि राजीव और नीति की शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर बात बच्चे की है तो वो समाज वालों से इतना दूर जाकर रहेंगे और नीति से बच्चा जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो बच्चे को ले लेंगे और फिर ऐसा भी किसी को पता भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर भाई ताईजी ने तो ठान लिया है और राजीव भी कहीं ना कहीं बहुत खुश है और परी भी खुश है क्योंकि परी को भी नीति की सच्चाई पता चल गई। और यहाँ पर फिलहाल के लिए राजीव के घर वाले में से कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि भाई नीति और राजीव की शादी हो। और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं गुरविंदर, बेबे और नीति का प्लान जो है वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर ये लोग काफी स्मार्ट है। तो यहाँ पर गुरविंदर मौके का फायदा उठाते हुए नीति को टेक्स्ट करेगी और यहाँ पर हम देखने वाले आने वाले एपिसोड में जहाँ पर हम देखेंगे इस बार गुरविंदर जो है वो नीति से मिलेगी और दोबारा से ये तीनों मिलकर एक नए प्लानिंग को कामयाब करने की कोशिश करने वाली है, जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इस बार वो राकेश के साथ मिलकर हमारी परी मैडम की जान लेने वाली है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई इस बार राकेश जो है दोबारा से पलट जाए और अपनी परी की जान को बचा ले, लेकिन क्या होता है ये तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।